नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल पर सियासत की साइकिल, जीएसटी छापा, पुलिस का यातायात प्लान। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पेट्रोल पर सियासत की साइकिल। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में मुख्यमंत्री शिवराज की तरफ इशारा करते हुए कमलनाथ कहते हैं, कम से कम आपकी साइकिल हमें तो दिलवा दीजिए। इस पर शिवराज कहते हैं, आपकी उम्र का लिहाज करता हूँ, किसी भी कीमत पर आपको साइकिल नहीं दूंगा। दरअसल कमलनाथ ने महंगे होते पेट्रोल डीजल पर सवाल उठाते हुए शिवराज द्वारा पुरानी सरकारों के वक्त चलाई गई साइकिल को लेकर चुटकी ली थी। तो वही दूसरी खबर की ओर, जीएसटी छापा। सीजीएसटी विभाग द्वारा इंदौर में मारे गए छापे में बड़ी सफलता मिली है। इस छापे के दौरान 3 व्यापारियों से 1 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए गए हैं। बाकी राशि की वसूली के लिए गणना की जा रही है। सीजीएसटी विभाग की टीम के द्वारा गुरुवार शाम से शुरू हो गई है। जेल रोड के 3 व्यापारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई। इन व्यापारियों के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम और आउटलेट है। तो वही तीसरी खबर की ओर, पुलिस का यातायात प्लान। शहर में जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलवाने के लिए डीआईजी के आदेश के बाद शहर में 24 पॉइंट चिन्ह किए गए हैं जहां जाम लगता था। अब यातायात पुलिस के साथ थाने के बल शाम को तैनात रहता है ताकि जाम ना लगे। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। शहर में जाम लगना आम बात है। नए डीआईजी मनीष कपूरिया ने जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात पुलिस को प्लान तैयार करने को कहा था। यातायात एएसपी आरएस देवले ने बताया कि एबी रोड, रिंग रोड और जवाहर मार्ग के चौराहों पर सबसे अधिक जाम की समस्या है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।